अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार KFC स्टाइल चिकन फिलेट्स, चिकन फिंगर्स भी बोल सकते हैं इनको। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम्स के करीब चिकन फिलेट्स, जिनको हमने हैमर से जो है वो फ्लैट कर लिया। ये एक स्पेसिफिक इसका मसाला है, साबुत धनिया, टीवी लाल मिर्च और इसके साथ काली मिर्च, जिसको मैंने जो है मोटा मोटा कूट लिया है। 1 टीस्पून के करीब इसकी मैरिनेशन में जाएगा नमक और 1 टीस्पून इसकी फिल जो है ऊपर कोटिंग में जाएगा। 1 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर चिकन के अंदर जाएगा और 1 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर इसकी कोटिंग में जाएगा। 1 टीस्पून के करीब गार्लिक पाउडर चिकन में जाएगा और 1 टीस्पून के करीब ही इसकी कोटिंग में जाएगा। 2-3 टेबलस्पून के करीब इसमें जाएगी चिली सॉस, 2-3 टेबलस्पून के करीब इसमें जाएगा सोया सॉस, 1-2 टेबलस्पून के करीब इसमें जाएगा वाइट विनेगर, 1/4 कप ऑफ मिल्क जाएगा इसमें और 1/2 एग जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। चिकन में मैंने सोया सॉस, चिली सॉस, गार्लिक पाउडर और चिकन पाउडर और नमक ऐड कर दिया। अब हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे, इसमें जाएगा 1/4 कप मिल्क, मसाला जाएगा इसमें ये वाला, इसके बाद इसमें जाएगा 1/2 कप ऑफ एग या 1/2 एग। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इस चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। जब तक ये मैरिनेट होता है, आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कोटिंग में क्या चीज़ें ऐड होंगी। इसकी कोटिंग में जाएगी 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च या पैप्रिका पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब इसमें जाएगा नमक, 1 टीस्पून के करीब इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून के करीब इसमें जाएगा चिकन पाउडर। ये ड्राई कोटिंग है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अपने चिकन के मैरिनेट होने तक इंतज़ार करेंगे। चिकन को मैरिनेट हुए या चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन मुझे 20 से 25 मिनट हो गए। अब मैं इस बैटर में से एक एक फिलेट इसमें से उठाऊँगी और इस वाले बैटर के अंदर अच्छे तरीके से कोट करूँगी। अगर ज़रूरत महसूस हो तो इसी बैटर में इसको दोबारा डिप करें और फिर इसको दोबारा से मैदे वाले बैटर के अंदर कोट करें और इसी तरह से सारे चिकन को कोट करके और एक प्लेट में निकालें। मैंने सारे चिकन को अच्छे तरीके से कोटिंग वाले बैटर के अंदर अच्छे तरीके से रैप कर लिया है। अब मैं इसको खुले तेल में फ्राई करूँगी। मैं इसको खुले तेल में भी फ्राई करती हूँ, शैलो फ्राई भी करती हूँ, बिकॉज इसकी वजह से जो घी होता है वो तकरीबन जो है वो ब्लैक हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, जो कि बाद में किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब घी जो है वो हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। हम 1 by 1 फिलेट्स इसमें ऐड करेंगे और इसको हल्की आँच पर हमने कुक करना है ताकि ये ईवन कलर लें और अच्छे तरीके से कुक हों। जी, तो हमारे मज़ेदार गर्मा गर्म चिकन फिंगर फिलेट्स रेडी हैं। इसको आप चिली गार्लिक सॉस के साथ या मायो गार्लिक सॉस के साथ, जो आपको पसंद हो उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म पेश कीजिए और इन्जॉय करें। सो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़।